दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीओ अजय स्टोमानी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 24 अगस्त 2024 शनिवार। दोस्तों आज हम आपके लिए कैस्टर सीड और कैस्टर ऑयल पर कुछ महत्वपूर्ण खबरें लेके आए हैं। इससे पहले हम आगे चलें, एक विनम्र अनुरोध। दोस्तों 15 अगस्त से 24 अगस्त के बीच सभी सब्सक्रिप्शंस पर विशेष रियायत या छूट का आज आखिरी यानी फाइनल डे है। यदि आप हमारी पेड रिसर्च का स्पेशल डिस्काउंट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आज अभी संपर्क करें। आज के बाद ये छूट उपलब्ध नहीं रहेगी। रेगुलर सब्सक्रिप्शन के लिए आपका स्वागत है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। जानिए अरंडी की बुआई, एक्सपोर्ट और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि अरंडी की बिजाई इस साल लगभग 1 लाख हेक्टेयर के आसपास की कमी आने की संभावना बन गई है। इसका प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि राजस्थान और गुजरात के कृषक इस साल अरंडी की बुआई में कम रुचि ले रहे हैं। साथ साथ गुजरात के कच्छ में भी अरंडी की बुआई कम होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन 10 सितंबर के बाद कच्छ की अरंडी की बिजाई की तस्वीर साफ होगी और आंकड़े आएंगे जब हम आपको दोबारा अपडेट करेंगे। इस साल अरंडी की बिजाई में लगभग 1 महीने की देरी हुई है और नई आमदनी भी देर से शुरू होगी। पिछले 2 साल के दौरान दिसंबर जनवरी महीने में नई अरंडी की जो सप्लाई देखने को मिलती थी वो इस सीजन में शायद 1 महीने डिले हो सकती है। साथ साथ यदि हम अरंडी के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की भी बात करें तो इसके ऊपर भी अलग अलग अनुमान बाजार में लगाए जा रहे हैं। एक ग्रुप कहता है 16 से 17 लाख टन तो दूसरा ग्रुप कहता है 20 से 21 लाख टन। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग अनुमान है, लेकिन ये तो तय है कि दोनों अनुमानों की यदि हम डिटेल से जांच करते हैं तो किसानों को अरंडी की काफ़ी अच्छी कीमत मिलने के बावजूद भी किसानों ने अरंडी की बिजाई में इंटरेस्ट कम लिया है। तो सवाल ये उठता है कि किसानों के पास अरंडी का बड़ा स्टॉक है इसलिए उन्होंने अरंडी लगाने की दिलचस्पी कम ली है, या अरंडी का स्टॉक कम है तो किसानों को अरंडी की फसल लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिए था जो अभी नज़र नहीं आया है। कुल मिलाकर स्थिति अभी अनिश्चित है। जहाँ तक सप्लाई की बात करें तो अरंडी की जो आवक हो रही है वो मांग के अनुसार कम है। विदेशों में अरंडी तेल की जो मांग मई महीने में देखी गई थी उसके बाद वो नहीं देखी गई, और फिलहाल जो चीनी डिमांड, चाइना की जो डिमांड है वो भी कमज़ोर बताई जा रही है। मई महीने में चीन ने बड़ी मात्रा में अरंडी तेल का इंपोर्ट किया था और ऐसी संभावना है कि चीन में अरंडी तेल का स्टॉक ज़्यादा है इसलिए पिछले 2 महीने से कोई खास तेल का आयात नहीं हुआ है। साथ साथ यूरोपियन और अमेरिकन डिमांड भी पिछले 1.5-2 महीने से बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई है। गौरतलब है कि गुजरात के कच्छ में अरंडी की सप्लाई लगभग 10,000 बोरी की है और गुजरात में रोजाना पूरा देखा जाए तो 50 से 55,000 बोरी की सप्लाई में 20% सप्लाई कच्छ से होती है। अब ये भी देखने को मिल रहा है कि DOC के ऊपर भी जो कच्छ में उत्पादित DOC का 90% एक्सपोर्ट होता है और 10% का उपयोग स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जबकि उत्तरी गुजरात में उत्पादित 90% DOC का उपयोग स्थानीय स्तर पर और बायलर व फर्टिलाइजर प्लांटों में भेजा जाता है और 10% का निर्यात होता है। हर साल सितंबर महीने से खासकर दक्षिण कोरिया और दूसरे एशियाई देशों के अरंडी के DOC की निर्यात की मांग निकलती है और इसलिए अगले महीने कैस्टर की DOC की निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसलिए उम्मीद है कि सितंबर में कच्छ में अरंडी DOC के दाम बढ़ने की संभावना है। अगस्त महीने में अरंडी तेल का निर्यात 45 से 50 हज़ार टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 12,000 टन का जो जहाज़ अगस्त में लॉन्च होना था लेकिन ये जहाज़ 1 सप्ताह लेट होने के कारण अगस्त में अरंडी का तेल निर्यात घटने की प्रबल संभावना है। अगर जहाज़ लगा होता तो अगस्त में 60 से 65 हज़ार टन तक का भी निर्यात हो सकता था। कुल मिलाकर अरंडी की बुआई कम होने की संभावना है और देर से बुआई के कारण वर्तमान स्तर पर अरंडी के अंदर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आने की संभावना कम नज़र आ रही है। दोस्तों ये सभी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप के जरिए प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों 1,67,000 सब्सक्राइबर का परिवार का आपका चैनल है। 1,33,00,000 से अधिक का व्यू का चैनल आपका माना जाता है। अरंडी, मूंगफली, सरसों, पाम, सोयाबीन, तिल,
इन सभी की जानकारियाँ आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती है। दोस्तों, आप भी हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, याद रखिए दोस्तों, भारतीय अनुसंधान पद्धति सदियों से ट्रस्टेड है। भारत सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था अपने अनुसंधान, अपनी विज्ञान, अपने कृषि के उत्पादों की वजह से। और एक समय ऐसा था कि अखंड भारत की जो GDP 34% ग्लोबल GDP में अपना योगदान देती थी, आज डबल डिजिट में भी नहीं दे पा रहे हैं। उसका प्रमुख कारण हमारा ज्ञान विज्ञान का नष्ट हो जाना है या कम हो जाना है। लगातार विदेशी आक्रमणकारियों के हमलों से हमारे ज्ञान विज्ञान को काफ़ी क्षति पहुंची थी। हमने पिछले 25 सालों से लगातार मेहनत, योगदान और सहयोग से इसको पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है और हम किसी हद तक कामयाब भी हैं। चैनल के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हम हर संभव प्रयास करते हैं कि हमारी भारतीय अनुसंधान पद्धति का परचम आकाश में सबसे ऊँचा रहे। दोस्तों, जब फंडामेंटल एनालिसिस और भारतीय अनुसंधान पद्धति का संयुक्त सहयोग होता है तो वह दूसरों से हमेशा आगे रहेगी, इसमें कोई दो राय और कोई संशय नहीं है। मॉडर्न टेक्निक का समायोजन इसको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता, इसका हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो दोस्तों, सितंबर महीने के अंदर R&D के अंदर मजबूती की संभावनाएँ बन रही हैं, विशेष नोट करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।